आखिरी एक्सपर्ट को शामिल करते हैं और वो है बोनाजा पोर्टफोलियो के पुनीत किन्नरा। पुनीत, ज़्यादातर एक्सपर्ट्स यहाँ पर कमजोरी का ही रुख देख रहे हैं और बेचने की राय दे रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, इस गिरावट में खरीदेंगे या फिर आप भी शॉर्ट करना चाहते हैं? अनिल जी, शॉर्ट टर्म ट्रेंड तो डाउन है, पर आज गैप डाउन होने के बाद एक मार्केट में अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। इम्पोर्टेंट चीज बात करने की ये है कि 5950 से 5920 के बीच में तीन मेजर सपोर्ट है, एक गैप की सपोर्ट है, एक 50 DMA है और साथ में एक इंटरमीडिएट ट्रेंड लाइन जो चल रही है वो अभी तक उसका नीचे की तरफ में ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। तो तीन तीन सपोर्ट होने के कारण एक बार रिस्पेक्ट देकर एक पुल बैक आना बनता है, उसके बाद चाहे बेशक से टूट जाए तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं एक बार हल्का सा ओवरसोल्ड होने के कारण मार्केट को एक बार बाय करने की कोशिश करूंगा। निफ्टी सपोर्ट को करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं, आपका टारगेट 6000 से 6030 बनेगा। इसके ऊपर मुझे मार्केट नहीं लगती जाती हुई और नीचे स्टॉप लॉस 5900 का डेली क्लोजिंग बेसिस का लगा के रखें। चलिए, ओवर सोल्ड है बाजार, बाउंस बैक के लिए खेलना चाहते हैं, तेजी का एक ट्रेड, और पुनीत कह रहे हैं कि खरीद कर चले 6000-6030 के स्टॉप टारगेट के लिए, 5900 के आसपास का लगाना होगा आपको स्टॉप लॉस। तो राय आ चुकी है पांच एक्सपर्ट्स की, आपके सामने समाप्त कर दूं, क्या कह रहे हैं वो? पांच में से दो एक्सपर्ट्स की राय तेजी करने की है, अगर आप उनकी राय के मुताबिक तेजी करना चाहते हैं तो आपको लगाना होगा स्टॉप लॉस 5900 पर। खरीदें निफ्टी को 5900 के स्टॉप लॉस के साथ और ऊपर की तरफ 6000-6030 और उसके पार निकले तो 6070 तक के लेवल अगले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिखेंगे, वहां पर आपको करनी होगी प्रॉफिट बुकिंग। लेकिन बाकी तीन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि मंदी करिए, आप उनकी राय के मुताबिक मंदी करना चाहते हैं तो आपके लिए लेवल जो होगा स्टॉप लॉस का वो एक ही होगा 6000 के आसपास का। 6000 का स्टॉप लॉस लगाएं, शॉर्ट कर दें निफ्टी को आप अभी इसी वक्त, और नीचे की तरफ जो टारगेट बनेगा पहला टारगेट होगा 5900 का, उसके नीचे निकले तो 5880-5850 तक भी हम फिसल सकते हैं, वहां पर आपको अपनी शॉर्ट पोजीशंस को कवर करना होगा। तो ब्रॉडली जो रेंज निकल कर आ रही है वो नीचे की तरफ 5900 है, ऊपर की तरफ 6000 के आसपास की, और उनमें से पांच में से तीन एक्सपर्ट की राय मंदी की आती हुई दिख रही है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद धर्मेश कांत हमारे साथ हैं, उनसे लेंगे वायदा कारोबार में उनकी पसंद की पांच टॉप ट्रेडिंग पिक्स स्टॉक फ्यूचर्स की। आप बने रहिए हमारे साथ।